अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, और मंजिल अपने कदम चुनेगी शेर के साथ, शेर जैसा चल। और ये आप सभी हो, होप हो, भविष्य हो, जैसा कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कितने समाज से भी यहाँ पर है, हमारा पूरा प्रशासनिक स्टाफ यहाँ पर है, पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर है, प्रशासन के चालू कर। अब ये माइक जिलाधीश महोदय की तरफ पहुंचेगा जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि वो आपके साथ ना केवल यहाँ खड़े हैं बल्कि उन्होंने, अगर वो हमारा सुरक्षित रहेगा तो हमारी फूड चेन पूरी की पूरी सुरक्षित रहेगी, और दूसरा अगर वो सुरक्षित रहेगा तो उसका घर मतलब जंगल सुरक्षित रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम टाइगर पे काम करें तो हम पूरे की पूरी इकोलॉजी को बचा लेंगे। तो इसके लिए डीएफओ साहब आपकी मैं तारीफ करूंगा कि आपने इतना अच्छा आयोजन आज किया है वर्ल्ड टाइगर डे पे, और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है अभी से ये समझना, आने वाले टाइम में उनको ही देश की बागडोर संभालनी है। अभी से समझना बहुत जरूरी है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अगर हम ये डेवलपमेंट, इनके प्रीवियस चीफ साहब मिश्रा साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया था, एंड उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए तो हमारे नवागत भी वो साहब उतना ही अच्छा से बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए समर का है, समर की टीम, मैं हमेशा बोलता हूँ हमको ये सब करने के लिए सैलरी मिलती है, एक समर और उसकी टीम ऐसी है जो ये काम हमसे ज़्यादा अच्छे से बिना किसी सैलरी के बिना किसी उनकी टीम को बहुत बहुत पसंद है। खनुजा जी रियली, हम हर एक चीज़ में पुलिस का इतना प्यारा सहयोग, प्यारी लीडरशिप, कभी कोई भी इशू विवाद में नहीं आता क्योंकि इतनी बढ़िया प्रोएक्टिव लीडरशिप एस पी साहब की रहती है। हमारे वहीं मैडम उपस्थित अपेक्षा मैडम, मैडम बहुत अच्छा आपने स्पीच दिया, सीरियसली इन सच ए शॉर्ट टाइम आपने इतना बढ़िया स्पीच दिया है, वी आर वेरी श्योर कि मिसेस के इंडिया के खंडेरिया साहब और खंडेरिया जी की लीडरशिप में इतना प्यारा सहयोग है कि कहीं पर कोई इशू नहीं आता, कोई कार्यक्रम नहीं, हमको इनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम सहयोग मिलता है। तो आप सबको बधाई, और जो आज यहाँ पर उपस्थित है बच्चे, भाई बहुत जरूरी है, हम टाइगर की बात क्यों करते हैं भाई, जानवर तो बहुत सारे हैं, डियर भी है, भालू रहते हुए मैं मिसेस इंडिया अपेक्षा करता हूं। चालू कर। योगी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, देवास फॉरेस्ट डिवीजन, डिग्निटी ब्यूरोक्रेट्स, आर एंड डी रिजॉर्ट, जिन्होंने ये सोचा, ये इनिशिएटिव लिया कि इंटरनेशनल टाइगर डे को आज 29 जुलाई इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, जो उसके पीछे एक संदेश है जिस वजह से इंटरनेशनल टाइगर डे आज ऑर्गेनाइज हो रहा है, टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट आर टाइगर्स एंड टू कंजर्व देयर हैबिटेट, प्रोटेक्ट देयर टाइगर्स, वाइल्डलाइफ हंटिंग ना करें। क्यों? क्योंकि टाइगर्स हमारे फूड वेब या फूड चेन की सबसे टॉपमोस्ट प्रेडेटर्स हैं, यानी कि वो राजा हैं, और अगर राजा मर गया तो प्रजा नहीं बचेगी, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कंजर्विंग देयर हैबिटेट, हैबिटेट यानी जहाँ वो रहते हैं, हम घर में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। तो हमारा अब ये काम बनेगा, हम ये चाहेंगे स्पेशली द यूथ ऑफ इंडिया टुडे, जो बॉयज़ और गर्ल्स आज यहाँ शामिल हुए हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि जितना हो सके आप अवेयरनेस फैलाएंगे अबाउट सेविंग आवर फॉरेस्ट, बिकॉज हमारी वाइल्ड लाइफ बनी रहती है। अगर हम हेलो दीपक जी,
आकाश खींचा। ये बच्चों को खड़ा कर लो ना आपके पास, ये बच्चों को आगे हमें और ज्यादा चाहिए ताकि हमारा पूरा देश जो है। ये बच्चों को खड़ा कर लो ना पास में। पूरे एरिया को ये लोग न केवल इनको संरक्षित करेंगे, यहाँ पेड़ लगाएंगे, बल्कि इसको एक इको फ्रेंडली जोन बनाएंगे। यहाँ का खनन रुकवाया है यहाँ ग्रीन वैली एसोसिएशन ने, जो कि एक बहुत काबिले तारीफ बात है। एक बार ग्रीन वैली के लिए जोरदार उसको कन्वे करने का हम लोग यथोचित प्रयास किए हैं। और साइकिल वैली के इस लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम सभी लोग शंकरगढ़ पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है आप साइकिल रैली में यहाँ पर मौजूद हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मिसेज इंडिया तो एक मुझे टाइटल मिला गया है, लेकिन हूँ मैं अब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ आने से पहले जो मुझे पता चला कि देवास के जो इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ जो लोग हैं देवास के, उन्होंने इस पर्टिकुलर बेल्ट, शायद शंकरगढ़ जहाँ हम जो स्पॉट है जहाँ पर हम जाने वाले हैं, उसको ख़त्म करने वाले थे, लेकिन उन्होंने फाइट करके वो इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट किया है, उस जगह को प्रिजर्व करने की कोशिश की है। तो अल्टीमेटली है तो वो टाइगर्स का ही हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ का ही हैबिटेट। तो ये सेलिब्रेशन देवास के लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी एक सल्यूट है मेरी तरफ से कि आपने ये पहल शुरू की और आपका एग्जाम्पल पूरे देश में जाए कि कॉन्क्रीट जंगल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा नेचुरल जंगल, हमारे जंगल का राजा जो कि टाइगर है, उसका प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और मेरी यही आशा रहेगी कि आज जो ये इनिशिएटिव लिया गया है थ्रू अ मैराथन एंड अ साइकिल रैली, ये और बड़े लेवल पर पहुँचे और लोगों तक और अवेयरनेस पहुँची जाए कि खुद तो सस्टेन करें, लेकिन साथ साथ कोएग्जिस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने साथ साथ जो भी हमारी इकोलॉजी में कंपोनेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरा है, फौना है, जो भी है, उस सब का ध्यान रखें और अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको बहुत अवगत कराएं इन चीज़ों से कि लाइफ में नेचुरल सराउंडिंग्स की कितनी ज़रूरत है और वाइल्ड लाइफ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, मिस इंडिया भी आई हुई हैं, कलेक्टर साहब भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय तारीफ दिवस के देश में हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग समाज के हर वर्ग को जोड़ें,
और जो बाघ के संरक्षण के संबंध में जो मैसेज है, मैं चाहता हूँ कि समाज के हर कॉर्नर में पहुँचे और पूरे देश तक पहुँचे इस चीज़ को, क्यों बाघ का कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, क्यों बाघ की कंजर्वेशन से बाघ का जो हैबिटेट होता है उसको संरक्षण करते हैं, पूरे वन्य प्राणियों का जो फूड चेन है वो संरक्षित हो जाता है, हमारे जंगल बचते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बाघ के संरक्षण के यथा प्रयास करें, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में दूसरे स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन पर बहुत ध्यान दिया रहा है, सोसाइटी बहुत अवेयर हो रही है और बच्चे इसके खास अट्रैक्शन है आज के, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों के स्तर से ही जब वो युवा अवस्था में तब से ही ये संवेदनशीलता अपने में पैदा करें सर, और बायोडाइवर्सिटी को बचाने का प्रयास। हमारे देवास जिले के किनी अभयारण्य में कितने बाघ हैं जो अभी बचे हुए हैं? स्कूल अगर देवास जिले की बात करें तो जो हमारे फैक्ट फिगर हैं लगभग 13 से 15 बाघ का विचरण है, और क्यूनी क्षेत्र जो कि सेंचुरी है उसके अंदर 6 बाघ का प्रेजेंस है और 4 तो निश्चित रूप से वहाँ हैबिटेट बना के रह रहे हैं, 2 बाघ ऐसे हैं जो विचरण करते रहते हैं, सीजनल का मूवमेंट है, माइग्रेटरी टाइगर्स हैं। सर किस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज? जी किस तरह कार्यक्रम आयोजित होंगे आज? आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, शुरुआत में पहले एक शॉर्ट मैराथन था जो संकरगढ़ के मैराथन ट्रैक पे है जहाँ लोग मैराथन करने निकले हुए हैं, दूसरा था कि साइकिल रैली करना था जिसमें बच्चों को विशेष इसका आकर्षण था, और इस अवसर पे जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, सबको सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ जैसा आपने बताया मुख्य ट्रैक है, आज मिसेज इंडिया अपेक्षा मैडम को भी बुलाया गया है ताकि वो भी अपना मैसेज करें समाज को। थैंक यू। रैली निकाली जा रही है, क्या कुछ संदर्भ है इसमें? जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज हमारा वर्ल्ड टाइगर्स डे है, उसी के संदर्भ में इस जानकारी को और जनता तक पहुंचाने के लिए, हमारे बच्चों के बीच में उसको और प्रचारित करने के लिए इस साइकिल रैली का आयोजन किया है। उससे पहले सुबह दौड़ का आयोजन भी किया गया था। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच मिसिज इंडिया अपेक्षा मैडम भी उपस्थित है जो जल्द ही भारत को रिप्रेजेंट करेंगी वर्ल्ड फोरम पे। इसके अलावा एसपी साहब और डीएफओ साहब के मार्गदर्शन में जो आज काम हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि वर्ल्ड में टाइगर्स की इम्पोर्टेंस को और बताने के लिए मध्य प्रदेश एक अग्रणी भूमिका निभाएगा और आज का इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल साबित होगा, इसकी हमने सबको शुभकामनाएं। ठीक सर।